लड़ने का मजा तब आता है लड़ने वाला जब काबिल हो। तो ये अच्छी बात है कि अगर बड़ा प्रत्याशी आ रहा है, अगर डिंपल जी आ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी लड़ने में मजा आएगा, हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश होगा, हमारे कार्यकर्ताओं को भी लगेगा कि हाँ हमको मेहनत करनी है, हमको लड़ना है। जाति धर्म ना कौनो भरम, जाति धर्म ना कौनो भरम, ना कौनो मन बढ़ के लिए, कमल का बटन दबैया भैया, कमल का बटन दबैया बहिनी, अपने आजमगढ़ के लिए, कमल का बटन दबैया भैया, अपने आजमगढ़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त एक बार फिर हमसे बात करने के लिए भोजपुरी के फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। निरहुआ जी काफ़ी दिनों से अब आजमगढ़ में कैंपेनिंग में हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कहना है इस बार आपकी बार दिनेश भैया? यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, प्रदेश में अच्छा काम कर रही है और सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश हैं, सब लोग अच्छा अनुभव ले रहे हैं। आजमगढ़ रह गया है तो आजमगढ़ को ईश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है कि ईश्वर ने ऐसा माहौल तैयार किया कि अखिलेश यादव जी छोड़ के चले गए आजमगढ़, और आजमगढ़ को भी भारतीय जनता पार्टी से और हमारे देश की सरकार से जुड़ने का एक अवसर और मिल रहा है। तो मैं अपने लोगों से यही निवेदन करने आया हूं, लोगों से यही बात कर रहा हूं और जानने की भी कोशिश कर रहा हूं कि उनके मन में क्या है। तो उनके मन में भी यही है, वो भी यही चाहते हैं कि जिनको हमने चुना था वो तो चले गए छोड़ के, तो अब देखते हैं एक बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ के कि भारतीय जनता पार्टी हमारे आजमगढ़ के लिए कितना करती है। तो मैं भी उनसे यही कह रहा हूं कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहां नहीं जिताया, उसके बाद भी मैं और मेरी पार्टी और हमारी सरकार जैसे पूरे देश के लिए कर रही है वैसे आजमगढ़ के लिए भी कर रही है लगातार। यूनिवर्सिटी हमारे आजमगढ़ को दे दिया महाराज जी ने, उसके बाद तमाम ऐसी योजनाएँ जो केंद्र सरकार ने चलाई, जो हमारे प्रदेश सरकार ने चलाई, वो सब घर घर पहुंची, जैसे बाकी जिलों में पहुंच रही है वैसे आजमगढ़ में भी घर घर में पहुंची है। अब बात रह गई कि सीधे सीधे फोकस करके आजमगढ़ के लिए कौन काम करेगा, तो वो काम करता है प्रतिनिधि, जिसको हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। वो चुनते ही इसलिए हैं कि वो सिर्फ हमारी बात करेगा, वो हमारा प्रतिनिधि तो करने के लिए हमारा प्रतिनिधि बना है, और जब वो संसद भवन में खड़ा होगा तो वो हमारे आजमगढ़ की समस्याओं के बारे में बात करेगा, आजमगढ़ के लोगों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, कौन सी ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो आजमगढ़ को हर बार ऐसे दुख के उसमें डाल देती हैं कि उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। अब जैसे बरसात आएगी, बरसात के बाद घाघरा नदी का तांडव शुरू होगा, फिर आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों को तकलीफें बढ़ रही हैं। तो इन सारी समस्याओं का कैसे समाधान हो, कैसे निदान हो, इस पे फोकस करके बात करने के लिए ही यहाँ की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना था। अब अखिलेश यादव जी चूंकि उनको विपक्ष का नेता बनना था तो उन्होंने छोड़ दिया और अब वो विपक्ष में जा करके और विधानसभा में बैठ गए। अब मौका मिला आजमगढ़ को एक बार फिर से अपना प्रतिनिधि चुनने का। तो मैं तो सबसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ही चुनिए, और आपने 3 साल देखा, अखिलेश यादव जी को देखा, समाजवादी पार्टी को देखा, अब 2 साल ही बचे हैं, आप देख लीजिए, 2-2.5 साल बचे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को भी देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रत्याशी को आप चुनते हैं तो वो आपके लिए कितना अच्छा करते हैं, नहीं अच्छा करेंगे तो उनको भी बदल देंगे, 2-2.5 साल बाद ही तो चुनाव है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अवसर है आजमगढ़ के लिए कि आजमगढ़ जो इस बात के लिए जाना जाता है कि आजमगढ़ हमेशा सरकार के विरोध में रहती है, सरकार रहती है कांग्रेस की तो वो रहते हैं बसपा में, सरकार रहती है बसपा की तो ये रहते भाजपा में, यहाँ का जो जीता हुआ प्रत्याशी होता है यहाँ भी और हमारे गाजीपुर में भी, दोनों जगह। पर ये नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि हमको थोड़ा स्मार्टली सोचना चाहिए
कि पूरा प्रदेश पूरा देश जिस तरह सोच रहा है वैसे हम भी सोचें, हम क्यों पिछड़ रहे हैं, इसके बारे में हमको थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा, हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारे पिछड़ेपन का कारण क्या है। जहाँ जहाँ कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है वही क्यों पिछड़ा है, पूरे यूपी में वही वही जिले क्यों पिछड़े हैं जो सपा का गढ़ है। नहीं, पश्चिम में ये बात नहीं है, पश्चिम में हटाओ मैनपुरी और उसका घर है उनका, इसमें थोड़ा सा अंतर है। जहाँ उनका घर है वो तो चमक रहा है, जहाँ उनका गढ़ है वो पिछड़ा है, आजमगढ़ पिछड़ा है, गाजीपुर पिछड़ा है। तो ये मैं गढ़ की बात कर रहा हूँ, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ। घर तो उनका चमक रहा है, वो तो मैं भी वहाँ जाता हूँ, वहाँ उस एरिया में शूटिंग करने तो मैं देखता हूँ, बहुत चमक रहा है भाई, सैफई इटावा तो देखने लायक है, पर आजमगढ़ क्यों ऐसे पीछे रह गया? तो उसका कारण ये हुआ कि समय के साथ लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव आया। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, लेकिन हम भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं, गुड बेटर बेस्ट। तो अगर वो गुड थे तो अब हमको बेस्ट मिल चुका है, उत्तर प्रदेश को बेस्ट मुख्यमंत्री मिल चुके हैं योगी आदित्यनाथ। मैं तो अपने पार्टी के प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में जाता हूँ, मैं आसाम में भी जाता हूँ, मैं गुवाहाटी में जाता हूँ, अभी मैं गया था उड़ीसा में या दिल्ली में या बिहार में या देश के किसी भी हिस्से में चुनाव होता है मुझे भेजा जाता है, मैं जाता हूँ अपनी पार्टी के प्रचार के लिए। तो मैं वहाँ देखता हूँ लोगों के साथ में बातचीत करता हूँ, तो वो कहते हैं कि हमारे पास भी एक अगर योगी आदित्यनाथ होते। जब हर राज्य भारत का चाहता है कि उसके पास एक योगी आदित्यनाथ होते, तो ये तो उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उसके पास योगी आदित्यनाथ हैं। तो जब ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है तो ये आजमगढ़ का भी सौभाग्य होना चाहिए, आजमगढ़ को भी ये मानना चाहिए कि हम गुड चुने थे लेकिन अब बेस्ट आ गया है तो हमको इनके साथ रहना है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, तो ही हमारे साथ अच्छा होगा। दूसरी बात, पूरी दुनिया, आप दुनिया में कहीं भी देखें तो आज प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है, उनके नेतृत्व में भारत का डंका बज रहा है। आज पूरी दुनिया ने कोशिश किया कि भारत को घेर ले जब यूक्रेन का और रसिया का युद्ध चल रहा है, ऐसे में जब पूरे ऐसे देश जो सर्व शक्तिशाली हैं और वो लोग भारत को सोचे कि हम घेर लें, उनको जो है किसी तरह से फंसा दें, भारत नहीं फंसा। क्यों नहीं फंसा? क्योंकि भारत की अगुवाई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो सदियों में कोई एक व्यक्ति पैदा होता है नरेंद्र मोदी जी जैसा। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत हमारा इतना मजबूत हो रहा है, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, तो आजमगढ़ नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होने में क्यों हिचक रहा है, वही तो सवाल है। और मैं इसी के लिए आया हूँ कि आप लोगों को जरा भी हिचकने की ज़रूरत नहीं है, जिस यशस्वी प्रधानमंत्री का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है उनके साथ जुड़ना है। जब आपका चुना हुआ प्रतिनिधि जा करके और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से कहेगा कि हमें आजमगढ़ ने चुन के भेजा है और आजमगढ़ के लिए आप क्या करेंगे, आजमगढ़ को ये 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 चीज़ें चाहिए, ये समस्याएं हैं जिसके वजह से आजमगढ़ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो भौगोलिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं, वो सामाजिक परिस्थितियाँ भी हो सकती है, वो धार्मिक परिस्थितियाँ भी हो सकती, बहुत सारे एंगल हैं, तो उन सब पे हमको काम करना पड़ेगा और उसके लिए हमको आपकी मदद चाहिए, हमको ये चीज़ें चाहिए। और वो लेके जब आएगा आपका चुना हुआ प्रतिनिधि तो आजमगढ़ बदलेगा, आजमगढ़ भी बनारस की तरह गोरखपुर की तरह चमकेगा, आपको दिखेगा कि हाँ ये देखो ये नए भारत का नया आजमगढ़ है, नए भारत के नए बनारस को देखिए, नए भारत के नए आप गोरखपुर को देखिए और नए भारत के आजमगढ़ को देखिए, गाजीपुर को देखिए, ये क्यों पीछे रह गया जी। तो इसको पीछे नहीं रहने देना है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम यहाँ के लोगों से निवेदन करें, उनको समझाएंगे, उनसे हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे कि हम लोग एक बार सरकार के साथ जुड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, आजमगढ़ में भी कमल खिलाते हैं। अगर 1.5-2 साल है जो उसमें उन 3 सालों से भी कई गुना बेहतर अगर आजमगढ़ में नहीं हुआ तो बदल देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, सोच तो आपकी बहुत सही है, लेकिन इस तरीके से कहा जाता है दिनेश जी की निरहुआ जो है योगी जी की खोज है जी। अब जो यहाँ से जिनके खिलाफ़ आप चुनाव लड़े थे और इस बार
समाजवादी का गढ़ जिसे कहा जा रहा है, आजमगढ़ खासतौर पे, यहाँ से अखिलेश भैया के लिए भी अब आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा? मेरा कहना यही है, देखिए जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ रहा था तो मुझसे ऐसे ही आप ही ने शायद सवाल किया था, आप ही, मुझे याद आ गया, राजीव भैया आप ही का सवाल था, कि इतने बड़े नेता हैं आप, उनके सामने क्यों लड़ रहे हैं, आप उनके सामने क्या कर पाएंगे। तो मैंने यही जवाब दिया था, मुझे याद है, कि आजमगढ़ को बहुत बड़े नेता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम आजमगढ़ में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन लेते हैं एक सांसद के रूप में, तो उनकी तो जिम्मेदारियां बहुत है, वो पूरे राष्ट्र को उनको देखना है, उनकी पूरी पार्टी को देखना है, पूरे प्रदेश को देखना है, तो वो आजमगढ़ को क्या समय देंगे, वो नहीं दे पाएंगे। आजमगढ़ को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको हम अपना प्रतिनिधि चुने, तो वो ऐसे आपके बीच में बैठे, आपसे बात कर सके, आपकी समस्या समझ सके। अब डॉक्टर साहब हैं, संतोष जी हैं, राजीव हैं, लड्डू जी हैं, ये सब लोगों के साथ में बैठ के जब रोज़ मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ पे ये नहीं हुआ, इस वजह से ये गड़बड़ है, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है, इस वजह से पानी भर रहा है। तो कहने का मतलब, बड़ा नेता से कुछ नहीं होगा, यहाँ चाहिए यहाँ का आदमी, जमीनी आदमी, जो आपके बीच का हो, आपके साथ बैठे, आपसे बातें करे। ऐसा नहीं कि कोई आ गया एकदम प्रधानमंत्री ही चुन लिए, आप उनके पास समय ही नहीं आपको देने के लिए। खैर, हमारे प्रधानमंत्री जी तो अपने क्षेत्र में बहुत समय देते हैं, वो अपवाद हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ऐसे व्यक्ति सदियों में कोई एक पैदा होता है, तो वो उनको तो अपवाद ही मान लीजिए कि उनको बनारस ने अपना सांसद चुना। और मुझे नहीं लगता है कि कोई सांसद इतना समय इतना काम अपने संसद क्षेत्र में करता होगा, संसदीय क्षेत्र में, जितना प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने बीच का अपना प्रतिनिधि कोई चुनते हैं और वो हमारे बीच में रह करके और आजमगढ़ को फोकस करके काम करेगा, तो ही आजमगढ़ आगे बढ़ेगा। तो इस बार जो मेरा निवेदन है अपने लोगों से, आजमगढ़ से, सिर्फ इतना है कि न धर्म के लिए, न जाति के लिए, न किसी भ्रम में, हमको सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के लिए सोचना है कि आजमगढ़ का विकास कैसे होगा, आजमगढ़ का भला कैसे होगा। अगर इस पे हम फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सबसे सही होगा। बाकी हम इस जाति के लोगों के हैं तो इस जाति को चुने, उस धर्म को चुने, इसमें पड़ेंगे तो आजमगढ़ पिछड़ जाएगा, तो इसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि इस सीट के जीतने हारने से सरकार पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कोई असर पड़ेगा? अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आजमगढ़ अगर नहीं भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? प्रधानमंत्री तो वही रहेंगे, वही हैं। अब बात यह है कि न मोदी जी के लिए, न योगी जी के लिए, न किसी धर्म के लिए, जाति के लिए, न निरहुआ के लिए, न अखिलेश जी के लिए, अब आजमगढ़ को सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के लिए सोचना है कि ये जो हमारा निर्णय है वो आजमगढ़ के हक में होना चाहिए, आजमगढ़ के विकास के लिए होना चाहिए, और इसलिए हर किसी को भारतीय जनता पार्टी के साथ में होना चाहिए। और ये 2 साल तो देना कोई बड़ी बात नहीं, हमको देना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा दिनेश जी, अभी तो जिस तरीके से सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है सालम गुड्डू जुमाली को, समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया और नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कयास की बात ये करी जा रही है कि समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव मैदान में आ सकती हैं, तो उनसे अगर मुकाबला है तो क्या है? ये बहुत अच्छी बात है, कभी भी मुकाबला जो है वो अच्छा होना चाहिए। अभी हम लोग जब IPL देखते हैं और हमको पता चलता है कि ये टीम तो एकदम नल्ली है और ये टीम एकदम जीत जाएगी, तो मज़ा नहीं आता, वो खेल देखने मज़ा आता है, नहीं आता है। तो हमेशा प्रत्याशी ऐसा ही होना चाहिए कि लगे कि ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देंगे, क्या होगा ये पता नहीं, तभी तो मज़ा आएगा। लड़ने का मज़ा तब आता है लड़ने वाला जब काबिल हो। तो ये अच्छी बात है कि अगर बड़ा प्रत्याशी आ रहा है, अगर डिंपल जी आ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी लड़ने में मज़ा आएगा, हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश होगा, हमारे कार्यकर्ताओं को भी लगेगा कि हाँ हमको मेहनत करनी है, हमको लड़ना है, तो लड़ाई जोश में होगी। और पता रहेगा कि नहीं एकदम एक तरफा मामला है, तब तो ठंडे हो जाएंगे हमारे कार्यकर्ता और हम सब लोग।
तो इसलिए लड़ाई अच्छी होगी तो ही मज़ा आएगा। प्रतिद्वंदी के रूप में आप डिंपल जी को, जैसे अब अखिलेश जी पर हमेशा तंत्र था आपका, हमेशा समय समय सामयिक विषयों पर उठाते रहते, तो क्या डिंपल जी के साथ भी वही? नहीं नहीं नहीं, मैं उनके बारे में क्यों कुछ बोलूँगा, क्योंकि बात तो ना डिंपल जी की है ना बात अखिलेश जी की है। मैंने कहा ना कि इस बार का ये जो चुनाव है ना, वो सिर्फ आज़मगढ़ के विकास के लिए, आज़मगढ़ के भले के लिए, आज़मगढ़ को सिर्फ आज़मगढ़ के लिए सोचना है, ना डिंपल जी के लिए, ना अखिलेश जी के लिए, ना दिनेश के लिए, ना निरहुआ, किसी के लिए नहीं, सिर्फ आज़मगढ़ के बारे में सोचना है कि जब आज़मगढ़ को एक मौका मिला है कि वो सरकार के साथ जुड़ सकते हैं, कि वो सीधे सीधे अपनी मांग, अपनी चीज़ें सरकार तक पहुंचा सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से आपका प्रतिनिधि जाके बात कर सकता है कि सर आज़मगढ़ ने कमल खिला के यहाँ हमको भेज दिया है, अब आज़मगढ़ की ये चीज़ें हैं, इसको तत्काल पूरा करवा दीजिए। और देखिए, आज़मगढ़ में कोई चीज़ अगर बहुत तेज़ी से नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? अगर आज यहाँ भाजपा का कोई प्रतिनिधि होता तो सरकार भाजपा की यहाँ भी है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, वो देश के जितने मंत्री हैं हर मंत्री से खाली एक एक काम लेके अगर आ जाए आज़मगढ़ में, तो आज़मगढ़ में कितना काम होगा आप सोच सकते हैं। अब आप मुझे ही ले लीजिए, मैं माननीय गडकरी जी का भी प्रचार करता हूँ, मैं स्मृति जी का भी प्रचार करता हूँ, मैं योगी जी का भी प्रचार करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी का भी प्रचार करता हूँ। मैं जब सब लोगों के लिए, वो जहाँ हमें आदेश देते हैं मैं पहुँचता हूँ, तो मैं अगर जाके उनसे कहूँगा कि मेरे आज़मगढ़ के लिए मुझे ये चाहिए, हर लोग अगर एक एक चीज़ यहाँ देंगे, एक स्मृति जी ने दे दिया, एक गडकरी जी ने दे दिया, ऐसे ऐसे जितने हमारे मंत्री हैं सब लोग आज़मगढ़ को एक एक सौगात दे देंगे तो कितनी सौगात आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो समझदारी इसी में है कि आज़मगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी को जिताए और सीधे सीधे आज़मगढ़ को सरकार के साथ जोड़ दे। चलिए, अभी तो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, चाहे वो आप हों चाहे डिंपल जी हों। अब यूपी तक से बातचीत हो रही है और दिनेश जी का जाना न हो हमारे दर्शकों के लिए, तो ये भी एक तरीके से अधूरी बात रह जाएगी। हाँ राजीव भैया, आपको इसी चीज़ के लिए, जितने चैनल वाले लोग हैं सब लोग इसी चीज़ के लिए जान रहे हैं कि राजीव जी हर बार, और मेरे ऊपर जितना आरोप लगा कि मैंने गाना बना बना के और भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाया और विरोधियों को मैंने बहुत पछाड़ा, तो उसमें मेरे से ज़्यादा योगदान इनका है। ये राजीव जी हैं यूपी तक का है, जो बार बार मेरे से गाना गवाने की कोशिश करते हैं, और गाना मैं कोई लिखा तो रहता नहीं हूँ, लेकिन जब गाना गाने बोलते हैं तो मैं तत्काल कुछ गाता हूँ, और उसके बाद जो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर लोग हैं उनका फ़ोन आ जाता है कि अरे वो चैनल पे अभी आप भैया गाए, ये कौन सा गाना है? बोले अरे वो तो ऐसे ही गा दिए थे, तो बोला हाँ तो इसको बनाते हैं और बन जाता है गाना। तो ऐसे ही जितने गाने आपने सुना चुनाव में वही थे। अब फिर इन्होंने आज सवाल किया है, फिर अब एक गाना मैं गाता हूँ, अब ये पता चलेगा 2 दिन बाद ये आज़मगढ़ में बजना शुरू हो जाएगा, तो ठीक है उसके नीचे हम लोग लिखवा देंगे कि किसके वजह से ये गाना बना है, राजीव जी यूपी तक की वजह से। जाति धर्म ना कौनो भरम, जाति धर्म ना कौनो भरम, ना कौनो मन बढ़ के लिए, कमल का बटन दबैया भैया, कमल का बटन दबैया बहिनी, अपने आज़मगढ़ के लिए, कमल का बटन दबैया भैया, अपने आज़मगढ़ के लिए, ना किसी धर्म के लिए, ना किसी जाति के लिए, ना किसी परिवार के लिए, हमें इस बार सिर्फ़ और सिर्फ आज़मगढ़ के लिए कमल का बटन दबाना है और आज़मगढ़ को भारतीय जनता पार्टी के साथ और सरकार के साथ जोड़ना है, नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ना है, योगी जी के साथ जोड़ना है, ताकि हमारा आज़मगढ़ विकास करे, आगे बढ़े, यही प्रार्थना मैं आप सब लोग से करता हूँ।